रिटेल कमीशन मिलेगा 10% वाला, राइट, लेकिन नेटवर्क कमीशन नहीं मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, डायरेक्ट सेलर अपॉइंट नहीं कर सकते, क्लियर? सो ही विल बी कॉल्ड एज ईटेलर, समझ रहे हैं? क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर टू, हमने कंज्यूमर का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया। कंज्यूमर लॉयल्टी प्रोग्राम में दो टाइप्स के हमने दिए, पॉइंट्स भी दे रहे हैं हम और वाउचर भी दे रहे हैं। वाउचर किसलिए दे रहे हैं? रिपर्चेस बढ़े इसलिए। पॉइंट किसलिए दे रहे हैं? रेफरल बढ़े इसलिए। पॉइंट बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऑफर्स कंज्यूमर्स के लिए, स्पेसिफिकली फॉर कंज्यूमर्स, आते रहेंगे एवरी मंथ ऑन मंथ। जैसे हमारे कोई खास मंथ रहते हैं, एग्जाम्पल फास्ट्रैक एंट्री मंथ, खास मंथ है, स्पेशल ऑफर आएगा कंज्यूमर के लिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रेफरल हो, राइट? इसका मोबाइल ऐप भी आएगा कंज्यूमर का अलग, वो डाउनलोड करके वहां पे रिडीम का ऑप्शन है, सब कुछ है, तो वहां पे वो रिडीम कर सकता है। इसका लॉन्च, जैसे मैंने बताया कि ये लॉन्च होगा क्लब नेटसर्फ ओएमजी में 5 तारीख को, राइट? तो 4 तारीख साइट सीन का दिन है, 5 तारीख क्लब नेटसर्फ ओएमजी में ये लॉन्च होगा, क्लियर? आगे चले, थोड़ा यहां से यहां आ गए, अरे आ गए क्या? मन में किंतु परंतु अभी नहीं है, रिस्ट्रक्चरिंग भी क्लियर? हाँ, आगे चले, चलो। तो अभी हम स्लाइड्स, आ सकते स्लाइड्स, तो अभी हम पाथ फाइंडर की तरफ जा रहे हैं। पाथ फाइंडर यानी हमारा ये क्वार्टर में क्या क्या ऑफर्स रहेंगे, क्या रहेगा जिसके माध्यम से हम हमारा बिजनेस और बढ़ा सकते हैं, ऐसा क्या हमें मिलेगा जिसके चक्कर में हम और बिजनेस खींच सकते हैं, तो हमारे टूल्स क्या क्या रहेंगे, राइट? तो वहां पे जाने से पहले स्लाइड्स, आप सभी का स्वागत है न्यू एरा एंड न्यू एज डायरेक्ट सेलिंग नेटसर्फ नेटवर्क में। अभी जो अभी तक जो हुआ हो गया, हमें सॉल्यूशन मिल गया है। अभी हम क्वार्टर वन, देखो क्वार्टर फोर, हमें पता है बहुत सारे लोगों के चेक डाउन हुए। सबसे बुरा किसी को लगा? हमें लगा, क्योंकि हम कुछ भी, जैसे मैंने बताया, हम कुछ भी सहन कर सकते हैं, कौन सा भी प्रॉब्लम सहन कर सकते हैं, लेकिन हमारे डायरेक्ट सेलर का चेक डाउन हो ये हम सहन नहीं कर सकते। और इसी के लिए हमने क्या किया, दो नए टूल्स हमने ऑलरेडी पहले लॉन्च कर दिए। अब ये करने के बाद अगर आप नेटसर्फ को देखोगे, ओवरऑल नेटसर्फ नेटवर्क देखोगे, तो प्लान कैसे दिख रहा है, सिस्टम कैसे दिख रही है, तो जैसे मैंने बताया ये मेंटालिटी का गेम हो गया है, मानसिकता का गेम है। अगर हमारे पास लीडर मेंटालिटी वाला बंदा है, इफ समबडी इज लीडर मेंटालिटी, उसको बोलना है कि तू डायरेक्ट सेलर बन जा, तुझे नेटवर्क कमीशन मिलेगा 3, 4, 5, 6, हमारा सिस्टम ऐसा है, जनरेशन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, फास्ट्रैक मिलेगा, एक्स वाई जेड, राइट? अगर कोई ट्राई करके देखना चाहता है, चलो करके देखता हूं, हुआ तो हुआ, 2-5 हजार मिले बहुत है, ई टेलर बना दो। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं मैं प्रोडक्ट यूज करता हूं और मेरे खर्चे इधर उधर से हो गए, बहुत कस्टमर बना दो, लॉयल्टी प्रोग्राम रेडी है, क्लियर? सो अभी नेटसर्फ नेटवर्क पे अभी तक हमारी आदत क्या थी, कंज्यूमर रहे, रिटेलर रहे, डायरेक्ट सेलर रहे, एक ही प्लान था। अभी न्यू एज डायरेक्ट सेलिंग में उसको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लीडर के लिए प्लान अलग है, रिटेलर के लिए प्लान अलग है और कंज्यूमर के लिए प्लान अलग है।
समझ रहे हो आप इसको? सो वी डोंट हैव एनी वन प्लान. आप क्या करना चाहते हो? आप कंज्यूमर हो, वी हैव अ प्लान फॉर यू. आप रिटेलर हो, हमारे लिए रिटेलर के लिए खास प्लान है. आप करियर करना चाहते हो, आप नेटवर्किंग करना चाहते हो, आपके सपने बहुत बड़े हैं, हमारे पास आपके लिए भी अच्छा प्लान है. क्या बात है. सो पूरे भारत में जितने भी ये लोग हैं, जिस मेंटेलिटी के लोग हैं, उस मेंटेलिटी के लिए वी हैव प्लान. समझ में आ रहा है? सो वी हैव थ्री प्लान्स, वन फॉर कंज्यूमर, वन फॉर रिटेलर, वन फॉर. और आज इस पाथफाइंडर के माध्यम से हम बहुत बड़े बड़े टूल्स रिटेलर को और डायरेक्ट सेलर को देने वाले हैं. रिटेलर एंड डायरेक्ट सेलर, इनके लिए टूल्स एवरी क्वार्टर इस पाथफाइंडर के माध्यम से हमें मिलते हैं. कंज्यूमर्स के लिए क्या रहता है? ऑफर्स रहते हैं. कंज्यूमर के लिए अलग अलग नेटसर्फ प्रिविलेज कंज्यूमर करके लॉयल्टी प्रोग्राम है, उनका प्लान अलग है. उनके हिसाब से कंज्यूमर के भी प्लान आएंगे. तो आपको अभी जैसे ही क्वार्टर स्टार्ट होगा, आपको कंज्यूमर का प्लान कैसे चलेगा इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट? रिटेलर के लिए क्या खास है इस बार उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी. और डायरेक्ट सेलर नेटवर्कर, वो कैसे अपने सपनों तक जल्दी जल्दी पहुंच सकता है इसकी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी. तो तीनों कैटेगरी, तो भारत में ऐसा कोई भी नहीं है जो ये तीन कैटेगरी में नहीं बैठता. कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैठेगा ही. उसको वो टाइप का प्लान दे दो और नेटसर्फ में लेके आओ, क्योंकि हम चाहते हैं कि नेटसर्फ को हमें हर घर तक लेके जाना है. और भारत की ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमें नेटसर्फ को बनाना है. और एक ऐसी कंपनी जो लेजिटिमेट है, लीगल है, लीगल फ्रेमवर्क में रह के डायरेक्ट सेलर का भला करके, डायरेक्ट सेलर को प्रोटेक्ट करके उनका करियर कर रही है. तो क्या आप सब लोग रेडी हो? Yes! इस पाथफाइंडर को सुनने के लिए क्वार्टर वन में ऐसा क्या होने वाला है जिसके माध्यम से जो जो चेक अपने डाउन हुए हैं याद रखो, क्योंकि इसके नीचे आप नहीं जा सकते. अरे बराबर है ना? यस. आपने बॉटम देख, देखो कभी कभी गहराई को देखना जरूर रहता है. तो आप इसके नीचे कभी नहीं जा सकते, याद रखो. अभी ये क्वार्टर में क्या करना है, कितना ऊपर उड़ सकते हो ये आपको दिखाना है. क्वार्टर फोर में हमने देख लिया कितना नीचे जा सकते हैं. क्वार्टर वन में हम देखेंगे कितना ऊपर जा सकते हैं. ये दोनों एक बार चीज समझ लिया फिर क्वार्टर टू की बात करते हैं. रेडी? तो वेलकम टू न्यू एज डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क. नेटवर्क आज यहां पे खूंखार खतरनाक प्लान आपको मिलने वाले. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपने न सिर्फ दो पैंडेमिक देखे आपके लाइफ में बल्कि जीएसटी भी देखा है. नेटवर्क मार्केटिंग के लॉज भी देखिए. बहुत कम लोगों को ये देखने का नसीब होता है बाबा. बाद में बच्चों को बोल सकते हैं, बाबा मैं ऐसा बंदा हूं जिसने दो पैंडेमिक झेले हैं और लॉज भी झेले हैं और फिर भी डटा रहा. राइट? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि यू ऑल आर क्वालिफाइड पीपल. क्योंकि लोग खाली बोलते हैं कि लहरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. शेरो शायरी करना पसंद,
इसलिए मैंने एक ही शब्द देखा था लहरों से, बाकी आपको आता रहे। और मैंने पिक्चर डाल दिया था, किधर गया? हाँ, सो यू हैव फॉट एंड यू आर नाउ क्वालिफाइड, मोस्ट क्वालिफाइड पीपल। क्यों? क्योंकि आप ही वो लोग हो जिन्होंने ये सब झेला है और झेल के रेडी हुए हो, क्योंकि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। सो यू हैव सीन द बॉटम। बॉटम क्या है आपको पता है, बुरा किस हद तक हो सकता है ये आपको पता है। अभी जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि उससे बुरा होने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। क्लियर? yeah. बस अभी बदला लेना है। तो अभी हमारा इस साल का, इस क्वार्टर का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 150 करोड़। अब ये 150 करोड़ रेट नहीं चाहिए हमें। किधर गया ये 150 करोड़ को हमें ग्रीन कर रहा है। कलर चेंज कर लेता हूं, आपके लिए रुका था। तो ये 150 करोड़ इस बार का हमारा Q1 का टारगेट रहेगा, मिनिमम 150 करोड़। ये ऐसा Q1 होगा जो ना नेटवर्क में अभी तक देखा है। कभी भी क्वार्टर वन में नेटवर्क ने 150 करोड़ किया नहीं। लेकिन ये क्वार्टर में करेगा। कैसे करेगा, क्यों करेगा, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस है, मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूं ये 150 करोड़ कैसे आ सकता है। एकदम सिंपल, थोड़ा देख लेते हैं। देखो हमारे पास अभी क्या है, क्योंकि हमने बॉटम देखा है, राइट? हमने दो पैंडेमिक झेले हैं, हमारे पास बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है। और क्या है? पोस्ट गवर्नमेंट रूल। हमारे पास सबसे अच्छी बात यह है कि वी हैव इंडस्ट्री रिकॉग्निशन। रूल से फायदा क्या हुआ? इंडस्ट्री को रिकॉग्निशन मिल गया। डायरेक्ट सेलिंग, जो लोग शक के नजर से देखते थे, आज किसी को भी हम हक से अंदर लेके आ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को रिकॉग्निशन मिल गया है बिकॉज ऑफ रूल्स। दूसरा क्या हुआ? अच्छा, नाउ वी हैव डिफाइंड रोल्स। वी नो कौन कंज्यूमर है, उसका रोल क्या है, कौन रिटेलर है, उसका रोल क्या है, और कौन डायरेक्ट सेलर है, उसका रोल क्या है। सो वी हैव डिफाइंड रोल्स ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। देखो ये कठिनाइयां हुई, लेकिन बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हुई, उनके ऊपर भी देखना जरूरी है, राइट? सो सबसे पहली चीज हुई इंडस्ट्री रिकॉग्निशन मिल गया, दूसरी चीज हुई रोल्स आर डिफाइंड, तीसरी चीज हुई डायरेक्ट सेलर जो बचे हैं ना वो फोकस्ड है, उनको सच में कुछ करना है, दे आर फोकस्ड। आपको बहुत ज्यादा चाबी मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। फोकस डायरेक्ट सेलर्स की अपने पास फौज है, कितनी है? कितनी है? सो वी हैव गॉट 20,000 रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलर जिन्होंने GST कर दिया है कंप्लायंट परफेक्ट। 20,000। तो अगर आपको याद है तो हमने एक यहां पे टारगेट लिया था, कितने रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलर होंगे। टारगेट आया था अराउंड 30,000। हम टारगेट के बहुत नजदीक पहुंचे, 20,000 हो गए, और हमें इतने काफी है। नए आएंगे क्या? आएंगे, वो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन 20,000 स्ट्रॉन्ग डेडिकेटेड डायरेक्ट सेलर्स, ये बहुत बड़ी फोर्स है। कैसे? इसमें से 16,000 एक्टिव है, क्योंकि 4,000 इनएक्टिव का लिस्ट मैंने ही आपको दिखाया। अरे दिखाया कि नहीं दिखाया? तो 16,000 एक्टिव है, और 4,000 मैं बोलूंगा सेमी एक्टिव है, कभी कभी आ जाएंगे शायद, क्योंकि उन्होंने पोजीशन के चक्कर में, कैरी फॉरवर्ड के चक्कर में GST कर दिया। हाँ या ना? यस यस, जो है वो, जैसे मैंने बोला मैं सच बोलूंगा, क्योंकि हम सब लोग एक है ना, बराबर है।
सो 16,000 एक्टिव है, वेरी गुड। आगे देखते हैं क्या हो सकता है। ये डायरेक्ट सेलर को और ब्रेकअप करते हैं, फर्दर ब्रेकअप करते हैं। तो फर्दर ब्रेकअप करने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि इनके तीन लेवल हो सकते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल को जैसे कंपेयर कर रहे थे ना, वैसे कर रहे हैं, करते रहेंगे, तो वी हैव सी एंड ऑफ लेवल जहां पे सीएम गेन करोड़पति लोग हैं, हाँ कि ना? देन वी हैव होलसेलर लेवल जहां पे ऑफ सिल्वर गोल्ड है, एंड देन वी हैव रिटेलर लेवल जहां पे बिगिनर से लेकर सुपरस्टार है। और रिटेलर अगले महीने से जोरदार जबरदस्त आते थे। तो ये बॉटम ऑफ पिरामिड बढ़ता जाएगा। जितना बॉटम ऑफ पिरामिड बढ़ेगा उतना ऊपर स्ट्रांग होने वाला है, राइट? सो रिटेल लेवल, होलसेलर लेवल, सीएनएफ लेवल, कितने लोग हैं? तो 4,000 लोग हमारे जो है ये सीएनएफ होलसेलर लेवल पे है, और 12,000 डायरेक्ट सेलर, ये बिगिनर लाइटनिंग स्टार का सुपरस्टार है। बिगिनर लाइटनिंग स्टार का सुपरस्टार कितने हैं? 12,000, और 4,000 कौन है? OSGDC ऑफ क्लब एंड अबाउट, क्लियर? अभी एक्चुअल टर्नओवर कहां से आएगा? रिटेलर 12,000 से, राइट? सो आउट ऑफ 20,000 डायरेक्ट सेलर 12,000 ऐसे लोग हैं जहां से एक्चुअल टर्नओवर आएगा, राइट? अभी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? व्हाट इज द प्लान? ये 150 करोड़ कैसे हो सकता है? प्लान क्या है? प्लान एकदम सिंपल है। ऑब्जेक्टिव हमारा है 150 करोड़ अप्रैल, मई, जून। करना क्या पड़ेगा हमें? करना ये पड़ेगा कि हर एक डायरेक्ट सेलर जो है, 12,000 में से हर एक डायरेक्ट सेलर जो एक्टिव बोल रहे हैं हम, ये अगर अप्रैल में जून तक 4,500 एवरी मंथ रिटेल कमीशन लेता है, कितना एवरेज? 4,000, मतलब कितना सेल करना पड़ेगा उसको? लगभग 45,000 का, 10% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 45,000 का सेल। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? Yes. राइट? तो क्या होगा 45,000 इंटू 12 पर मंथ टर्नओवर कितना हो गया? एवरेज 54 लाख। 54 कितने महीने हैं? कितना हो गया? तो 150 हो सकता है? 150 हो सकता है क्या? हो सकता है। फोकस क्या करना पड़ेगा अभी? फोकस क्या है? ये 12,000 लोग, इनके ऊपर फोकस करना है, और ये 12,000 लोग 4,500 कैसे अर्न करें इसके ऊपर फोकस करना है। एवरेज, कोई ज्यादा करेगा कोई कम करेगा, एवरेज समझ में आया? ये सब आपके नेटवर्क के हिसाब से ही कर सकते हो, क्योंकि ये आपका ही है, ये टोटल नेटवर्क है, मतलब आपके नीचे ही है किधर ना किधर, राइट? अभी सेल प्रोडक्ट्स वर्थ 45,000 एवरी फॉर नेक्स्ट मंथ एंड 150 करोड़ हो रहा है। अभी आप ये पूछते रहेंगे कि ये सीएनएफ एंड ओएसडीडीसी है, मतलब आप सब लोग, आप क्या करोगे? पर कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो देखो, ये बोला गया है कि द विनर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर कार्व्ड विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस। तो आपको ये करवा के लेना है किसी ना, क्योंकि वो ऐसे ही करेगा क्या? ये करवा के लेना पड़ेगा। अभी करवा के लेने के लिए अपने पास लोग कितने हैं? 4,000। अभी 4,000 लोग हैं, और एवरेज लोग कितने अपने पास? एक के पास कितने हैं? तीन एवरेज, तीन। तो एक आदमी को मिनिमम कितने लोगों को ट्रेन करना है? तीन। पॉसिबल है क्या? अरे मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? मैं डेटा के बारे में बात कर रहा हूं, मैं कोई भी हवा के फिगर नहीं दिखा रहा। जो डेटा सामने है वही डेटा मैं दिखा रहा हूं।
एक आदमी को कितने, आप तीन लोगों को ट्रेन नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं, 30 को कर सकते हैं, एवरेज 3 आएगा हर एक के पास। और अगर एवरेज 3 हर आदमी रिटेलिंग ठीक से सिखाता है तो क्या होगा, 162 करोड़, 150 करोड़ टारगेट अचीव। क्योंकि 45,000 करने के लिए क्या लगेगा हमें, कंज्यूमर लिस्ट। कंज्यूमर लिस्ट कहां से आ गया, नेट्स ऑफ प्रिविलेज कंज्यूमर प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, उसको कंज्यूमर को कैसे बोलना है, क्या बोलना है, ट्रेन कौन करेगा, आप लोग ट्रेन करोगे नीचे वालों को, किस प्रकार से लिस्ट निकालवा सकते हो, क्या बोल के नहीं लिस्ट निकालोगे, लिस्ट निकालने के बाद कैसे इमीडिएटली उधर जाके उसको क्लोज करोगे, क्लोज करने के बाद कैसे उसको बोलोगे सर थैंक यू आपने जो दिया उसमें 5,000 का प्रोडक्ट ले लिया, जिसके चक्कर में 5% पॉइंट्स आपके अकाउंट में जमा हो गए हैं। करना पड़ेगा ना, कंज्यूमर का प्लान बताना पड़ेगा, कैसे बताना है ये हमें बताना पड़ेगा, राइट right? तो ये अगर 4,000 लोग 45 हर एक आदमी 3 को अगर ट्रेन करता है तो ये टारगेट अचीव होना आसान है। क्योंकि हमें क्या करना है, उसका फॉलोअप लेना है, क्या किया आज, कितना किया आज, क्या हुआ, राइट right? हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या? तो हमारे पास इतना ही करेंगे तो होगा क्या, इज इट इनफ, नहीं तो हमें कुछ तो और लगेगा, ताकि आप भी मोटिवेट हो ये करने के लिए और वो भी मोटिवेट हो ये करने के लिए। अरे समझ में आ रहा है क्या, तो कुछ तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी एंड इफेक्टिव टूल्स हमें लगने वाले हैं। सो प्रेजेंटिंग इस बार का Q1 का नया सिस्टम विच इज 7G सिस्टम। देखो लोग 4G की बात कर रहे हैं, 5G आने वाला है, हम क्या बोल रहे हैं, अभी 7G क्यों लग चाहिए हमें, हमें स्पीड चाहिए, हमें स्पीड चाहिए, हम स्पीड के दीवाने हैं सब लोग, स्पीड से ही बॉटम में गए थे ना, तो स्पीड से ही उछलते हैं हम, किसके दीवाने हैं, हमें स्पीड अच्छा लगता है, हाँ कि ना, एक डायरेक्ट सेलर को एक नेटवर्कर को सबसे अच्छा क्या लगता है, स्पीड, फास्ट, कट 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 कट, 6 महीने के क्या, 5 महीने में क्या, 1 साल में क्या, ये क्या है, स्पीड, स्पीड, और हमें यही स्पीड चाहिए। तो प्रेजेंटिंग 7G, 7 New Age इफेक्टिव टूल्स, जिसके चक्कर में आप, आपका बिजनेस और तेजी से और स्पीड से आगे लेके जा सकते हो Q1 में, जो Q4 में नहीं हुआ, जो अभी तक Q1 में कभी भी नहीं हुआ, वो Q1 में हो सकता है। तो प्रेजेंटिंग एक नहीं, दो नहीं, 7 different tools, 7 अलग अलग टूल आपको ये Q1 में मिलेंगे, ताकि आप, आपका बिजनेस स्पीड से एक मुकाम तक लेके जाए। क्योंकि आपने हमें करना क्या है ये Q1 में, कितना ऊंचा जा सकते हैं ये हमें इस Q1 में देखना है। आर यू विद मी? यस। जाएंगे ऊंचा? यस। अचीव करेंगे पीक को? यस। तो प्रेजेंटिंग 7G सिस्टम, सो दैट यू अचीव योर गोल्स, यू अचीव योर टारगेट्स, यू एनकैश योर ड्रीम्स, यू अचीव योर ड्रीम्स थ्रू नेट्स ऑफ यूजिंग 7G सिस्टम। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, हमारे पूरे सिस्टम का राजा किंग कौन है, कंज्यूमर, कंज्यूमर, क्योंकि टर्नओवर वही देता है,
पैसा कौन देता है? वो किंग ली, बराबर है ना? डायरेक्ट सेलर तो पैसा लेता है देता कौन है? कंज्यूमर किंग देव, कि वो पैसा देता है, उसको हम अच्छे प्रोडक्ट देते हैं और पैसा हमें वो देता है, राइट? सो कंज्यूमर इज किंग। तो सबसे पहले ये कंज्यूमर को हमने दिया, क्या दिया है? एनपीसी नेट्स ऑफ प्रिविलेज कंज्यूमर प्रोग्राम दे दिया है, उसके साथ साथ क्या देना पड़ेगा? प्रोडक्ट देने पड़ेंगे और ऑफर देना पड़ेगा, राइट? क्लियर? चलो ऑफर, ये प्रेजेंटेशन उल्टा स्टार्ट करते हैं। अभी तक ऑफर हम क्या करते थे? अभी ऑफर से स्टार्ट करते हैं, पहले कंज्यूमर को बाजू में कर देते हैं, फिर हम हमारा फोकस करते हैं, राइट? पहले किंग को चेक में रखते हैं, किंग को चेक में दे दिया, बाकी स्ट्रेटेजी बराबर है, ओके। चलो, तो इस बार इस क्वार्टर में कंज्यूमर का स्पेशल ऑफर, एक ही ऑफर रहेगा कंज्यूमर को, एक ऑफर पूरे क्वार्टर के लिए, सिंपल स्वीट अच्छा, अच्छा सुंदर टिकाऊ। पहला टूल, इंट्रोड्यूसिंग बेस्ट ऑफर फॉर आवर कंज्यूमर, फ्लैट 25% ऑफ। ओके, एक प्रोडक्ट लो, 10 प्रोडक्ट लो, 100 प्रोडक्ट लो, 25%। ओके, अभी आप बोलोगे सर 25% कर दिया, ऐसा नहीं बोल रहे, 25% कर दिया। अरे सिंगल प्रोडक्ट पे भी 25 है ना, तो सिंगल प्रोडक्ट पे भी 25% डिस्काउंट मिलेगा फ्लैट पूरे क्वार्टर। ओके, सो ऑनलाइन रहे, ऑफलाइन रहे, रिटेलर से ले, ऑफलाइन ले, कैसे भी ले, एप्लीकेबल फ्रॉम वेरी फर्स्ट परचेज, फ्रॉम वेरी फर्स्ट रिसीट। कंज्यूमर को नो कंडीशन अप्लाई, क्योंकि अभी कंज्यूमर को हमें कंडीशन देने नहीं है, क्योंकि वो कौन है? किंग। नो कंडीशन, तुझे फ्लैट 25 ले ले, क्लियर? और उसको हमने प्रोग्राम दे दिया, परफेक्ट। अभी ऑफर वैलिड फॉर अप्रैल, मई, जून, 3 महीने के लिए ऑफर रहेगी, क्लियर? कंज्यूमर क्लियर? अभी किसके ऊपर आते हैं? चलो, अभी इससे क्या होगा? रिटेलिंग बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो अभी क्या करना पड़ेगा हमें? दूसरा ऑफर किसके लिए? रिटेलर, परफेक्ट। तो रिटेल प्रॉफिट्स, तो हम इस बार रिटेल प्रॉफिट में एक स्पेशल चीज लेके आ रहे हैं, जो हमने बोला था कि हम बाद में लेके आएंगे, जहां पे स्टॉक एंड कैरी आप कर सकते हो, राइट? आप खुद स्टॉक लेके कैरी कर सकते हो। ये थोड़ा मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं कैसे वर्क होगा, और उसके बाद पीपीटी में आते हैं, क्लियर? बोर्ड प्लीज। ओके, स्टॉक एंड कैरी मतलब क्या है? अभी 10% वाला सिस्टम है, इटेलर कर रहा है, राइट? तो हम स्टॉक एंड कैरी सिस्टम में जा सकते हैं, जिसका जीएसटी है उसी के लिए ये सिस्टम है, बाकी के लिए नहीं। नॉन जीएसटी इटेल सिस्टम है, जो अपना 10% वाला सिस्टम चल रहा है वो उसके लिए है, ये सिस्टम जीएसटी होल्डर के लिए है, डायरेक्ट सेलर के लिए, मतलब ये नेक्सस है, ये डायरेक्ट सेलर है, राइट? एंड डायरेक्ट सेलर के कंज्यूमर है, परफेक्ट, राइट? यही ऐसे ही नेटवर्क है अपना। अभी क्या होगा? नेक्सस अभी डायरेक्ट सेलर को बिल कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, डायरेक्ट ही कंज्यूमर को कर रहा है। ओके, अप्रैल सेकंड साइकिल से, अप्रैल साइकिल 2 से ये बिलिंग ऑन हो जाएगा, जिनका जिनका जीएसटी है उनको ये बिलिंग ऑन हो जाएगा। यहां पे क्या होगा? नेट्स ऑफ टू डायरेक्ट सेलर, बी टू बी
बिल होगा, बिजनेस टू बिजनेस, आपका जीएसटी है, हमारा जीएसटी है, बी टू बी बिलिंग विल स्टार्ट। समझ में आया? तो मैं आपको सेल कर रहा हूं, आप एज अ बिजनेसमैन डायरेक्ट सेलर ये परचेस कर रहे हो, अभी आप परचेस करके कंज्यूमर को ये बेच सकते हो आपके डायरेक्टली। इट इज लाइक रूटीन स्टैंडर्ड रिटेल मॉडल, परचेस करो सेल करो, परचेस करो सेल करो। क्लियर? अभी वर्क कैसे होगा, नेटसॉफ्ट आपको बी टू बी बिल करेगा और डायरेक्ट सेलर कंज्यूमर को बी टू सी बिल करेगा। मतलब ये अगर डायरेक्ट सेलर K10 है, एग्जाम्पल K10 करके एक डायरेक्ट सेलर है, तो उस कंज्यूमर को K10 का इनवॉइस मिलेगा। आपके पास जीएसटी है अभी? हर डायरेक्ट सेलर के पास जीएसटी है, राइट? तो वो इनवॉइस दे सकता है, 100% दे सकता है, तो वो K10 का इनवॉइस देगा। अभी आपको इनवॉइस प्रिंट करने की जरूरत है क्या? नो। बिलिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम नेटसर्फ आपको देगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपके जीएसटी रिटर्न परफेक्ट हो, आपका इन आउट परफेक्ट हो, आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रॉपर हो और आपका बिलिंग परफेक्ट हो। इसलिए हम आपको एक बिलिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम देंगे जो ऑनलाइन भी आएगा और आपके मोबाइल ऐप में भी आएगा। क्लियर? जहां से आप कंज्यूमर के बिलिंग कर सकते हो आपके। समझ में आ रहा है? क्लैरिटी आ रही है? थोड़ा आगे चलते हैं। अभी ये डायरेक्ट सेलर को अगर इस सिस्टम में आना है, सबसे पहले इसको ट्रेड लाइसेंस लगेगा। सबसे पहले क्या लगेगा इसको? ट्रेड लाइसेंस। कंपलसरी नहीं है इस सिस्टम में आना, आना है तो ट्रेड लाइसेंस लगेगा। ट्रेड लाइसेंस लेने के बाद हमारे अभी ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको कुछ भी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि हब्स एंड मोर, रंगदे, इनको लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है बेचने के लिए, वो आप इमीडिएटली बेचना स्टार्ट कर सकते हो ट्रेड लाइसेंस से। और क्या बेच सकते हो? बायोफिट के कैटल केयर रेंज। क्लियर? बायोफिट की एक्वा केयर रेंज बेच सकते हो, क्लीन एंड मोर बेच सकते हो, ठीक है? नेचुरल मोर नॉट पॉसिबल, ओके? नेचुरल मोर अगर आपको बेचना है तो आपको एडिशनल एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, वो है FSSAI लाइसेंस लेना पड़ेगा। FSSAI लाइसेंस क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि फूड प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, स्टोर कर रहे हो, FSSAI लाइसेंस लेना पड़ता है। आजकल चाय की टपरी डालनी है तो भी FSSAI लाइसेंस लगता है, वड़ा पाव की गाड़ी निकालनी है तो भी FSSAI लगता है। तो आप तो न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट बेचने वाले हो तो आपको FSSAI लाइसेंस लगेगा। ये करना है नहीं करना है तो जो चल रहा है चलने दो, 10% आपके लिए भी है वैसे। क्लियर? क्लियर? अभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अभी आप इसको इस सिस्टम से नहीं बेच पाओगे, क्योंकि इसके लिए आपको एक जगह लगेगी और एग्रीकल्चर के फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने पड़ेंगे जो बहुत सारे हैं, ओके? अगर कोई इंटरेस्टेड है एग्रीकल्चर करने के लिए तो क्या प्रोसेस है, आप आपके जोनल को मिलो, वो आपको समझा सकते हैं, ओके? ओके, अभी ये वर्क कैसे होगा? लेट्स ऑफ डायरेक्ट सेलर को बिल करेगा, डायरेक्ट सेलर कंज्यूमर को बिल करेगा। इसके लिए मिनिमम डायरेक्ट सेलर को 50,000 रुपीज एमआरपी का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि बेचने के लिए लेना है, राइट? 50,000 एमआरपी का प्रोडक्ट लो जो उसको डिस्काउंट में मिलेगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा उसको? 25%, तो 37,500 में उसको ये मिल गया, राइट? 37,500। अभी कस्टमर को जो चाहिए वो प्रोडक्ट बेचो, कितने में बेचेगा? जैसा आया वैसा ही बेचो, राइट? आप बोलोगे सिर्फ प्रॉफिट, प्रॉफिट। जैसे ही आप कंज्यूमर को, ये क्या हुआ?
कुछ तो हुआ, हाँ रीलोडेड है, रीलोडिंग आ गया, वेरी गुड। हाँ तो जैसे ही आप ये 25% कंज्यूमर को बेचोगे, आपने ये कंज्यूमर की एंट्री कर दी, नेट सर्फ इस डायरेक्ट सेलर को 15% देगा। नॉर्मली कितना मिलता है, अगर स्टॉक एंड कैरी करोगे तो कितना मिलेगा 15, 10% रिटेल का, 5% स्टॉक एंड कैरी का, राइट? इट इज 10+5, प्लीज रिमेंबर दिस इज 10+5। ऐसा भी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आगे जब 2 लाख देखोगे तब उसने रिटेल प्रॉफिट के टारगेट रहेंगे, रहते कि नहीं रहते? लास्ट टाइम था ओएमजी में टारगेट क्या था रिटेल का, 15,000, राइट? अभी ऐसा नहीं होगा कि 15,000 15% से कैलकुलेट होगा, 15,000 10% से ही कैलकुलेट होगा, ये समझ लो। ये 5% एक्स्ट्रा है, स्टॉक एंड कैरी कॉस्ट है, क्लियर ना? टारगेट के लिए 10% ही गिना जाएगा। हाँ वेरी गुड। अभी ये डायरेक्ट सेलर जैसे ही ये कस्टमर ऐड करता है, नेट सर्फ इसको 15% देगा और नेटवर्क को ये जो कंज्यूमर का टर्नओवर है वो पास होगा। ऐसे जैसे जैसे कंज्यूमर की एंट्री होती रहेगी टर्नओवर पास होता होगा, क्लियर? समझ में आ गया? सिंपल सिस्टम, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अभी इसमें आपको 1 महीने का रिटर्न पॉलिसी नेटसर्फ ने दिया है। 1 महीने में सपोज आपने जोश जोश में 1 महीने में प्रोडक्ट ले लिए स्टीम रिच शेत रैपअप, और बाद में आपको समझ में आ गया अरे स्टीम रिच ही ज्यादा बिक रहा है, शेत और रैपअप बिक ही नहीं रहा, तो आप विद इन 1 मंथ शेत और रैपअप वापस दे दो, उसके जगह स्टीम रिच लेके जाओ। रिप्लेसमेंट पॉसिबल विद इन 1 मंथ। वी डोंट वॉन्ट कि आपके ऊपर इन्वेंट्री लोडिंग हो, वी डोंट वॉन्ट कि आपके ऊपर इन्वेंट्री लोडिंग, हम उस टाइप की कंपनी नहीं है। हम सबसे पहले डायरेक्ट सेलर को सामने रखते हैं और डायरेक्ट सेलर को अपने आप खुद को डायरेक्ट सेलर की जगह पे देख डालते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या डिफिकल्टी आ सकती है, राइट? हमें इन्वेंट्री लोडिंग नहीं करना है आपके ऊपर। 50,000 अपने लेके गए, बेचने की कोशिश की, नहीं बिका, वापस दे दो 1 महीने के अंदर, पैसे लेके जाओ। डंपिंग नहीं, 1 मंथ, यू हैव 1 मंथ, 1 महीना आपके पास है, क्लियर? समझ में आया? हम डंपिंग वाली कंपनी नहीं है, ना बनना चाहते हैं। हमें डायरेक्ट सेलर का खून चूस के पैसा नहीं चाहिए। वी आर क्लियर? आई थिंक यू ऑल आर ऑल्सो क्लियर, वेरी गुड। आगे चलते, स्लाइड प्लीज। सो स्लाइड्स में देखते हैं अभी यही चीज, समझ गए ना? हाउ डज इट दिस वर्क? सिंपल सिस्टम है के रिटेल प्रॉफिट आप ऑनलाइन करते हो तो 10% मिलता है, लेकिन स्टॉक एंड कैरी यहां से कर सकते हो, 15% रिटेल प्रॉफिट ले सकते हो, 50,000 एमआरपी मिनिमम वैल्यू लेना पड़ेगा, यह हमने ऑलरेडी देखा। प्रोसेस कैसे होगा? नेट सर्फ है, 25% डिस्काउंट B2B इनवॉइस होगा, किसको होगा? डायरेक्ट सेलर को होगा, राइट? डायरेक्ट सेलर कंज्यूमर को उसी 25% से B2C करेगा और नेट सर्फ 15% डायरेक्ट सेलर को एज अ रिटेल प्रॉफिट दे देगा, क्लियर? सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, कुछ नहीं। चलो रिटेल प्रॉफिट 15% आपको मिल गया। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? 50,000 मिनिमम लेना पड़ेगा इन्वेंट्री, B2C इनवॉइस जनरेट करना ही पड़ेगा, इनवॉइस इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम नेटसर्फ आपको कॉम्प्लीमेंट्री देगा, नो चार्ज। नहीं तो आपको कोई भी ऐसा सिस्टम लेना है आपको मंथली चार्ज उनको देना पड़ता है, हम नहीं देंगे, हम हमारे लिए कर लेंगे।
ठीक है, आगे चलते हैं। दिस इज क्लियर? यस। सिंपल? वेरी गुड। अभी थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। 3G, थोड़ा हाई स्पीड। अगेन न्यू टूल फॉर रिटेलर, और एक टूल रिटेलर के लिए, प्रेजेंटिंग रिटेलर बोनस। रिटेलर बोनस, ये रिटेलर बोनस ईटेलर को भी एप्लीकेबल है और डायरेक्शनर को भी एप्लीकेबल। ओके, मैं टूल से पहले आपको बोल दूंगा किसको किसको क्या क्या एप्लीकेबल है। जैसे मैंने यहां पे बोला ईटेलर के लिए ये चीज नहीं है, वैसे मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, ये चीज ईटेलर के लिए है। क्लियर? क्या है ये ईटेलर बोनस? एकदम सिंपल, बहुत ही सिंपल साधा ईटेलर बोनस सिस्टम है। एक रिटेलर को हमें मोटिवेट करना है वो ज्यादा से ज्यादा रिटेल करें, हमें उसको 45,000 तक लेके जाना है, दैट इज अवर टारगेट, एवरेज 45, राइट? तो शुरुआत किधर ना किधर से करनी पड़ेगी उसको, हाँ के ना? कहां से शुरुआत करनी चाहिए उसको रिटेलिंग की? मिनिमम 20,000। मिनिमम किससे करनी चाहिए? 10,000। ओके, चलो हम उससे कम में करते हैं। रिटेलिंग अमाउंट 0 to 499, अप टू 5,000, मतलब लेस देन 5,000, 10% मिलेगा, अभी भी मिलता है, राइट? लेकिन उसने 5,000 के 10,000 के बीच में अगर एक महीने में रिटेलिंग किया, 2% बोनस मिलेगा उसको महीने के एंड में। मतलब 10 की जगह कितना मिलेगा? समझ रहे हो क्या? Yes. समझ में आ रहा है क्या? एप्लीकेबल फॉर ईटेल ऑल्सो, मतलब वो विजय डीएसटी वाला अपना याद है ना, भूले नहीं ना? Yes. हाँ, उसको भी मिलेगा। 5,000 से 10,000 के लिए कितना मिलेगा? 10+2। अभी 10,000 के ऊपर किया तो मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? Yes. बिलीव हो रहा है? Yes. ए, बिलीव करो, 100% मिलेगा। मतलब 0 to 1,000 बंदा है, एग्जाम्पल देते, 1,000 बंदा है, 15,000 रुपए का रिटेल किया, कितना किया? 15,000। बोर्ड प्लीज, 15,000 रुपए का रिटेल, समझ रहे ना? 15,000 नेट रिसीट वैल्यू, नेट अमाउंट, ये पूरा नेट अमाउंट पे पोस्ट जीएसटी चल रहा है, जिसके ऊपर उसका 10% कैलकुलेट होता है। हाँ, ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं अभी? 0 to 5, 10%, 5,000 से 10,000, 12%, 10+2, 10,000 एंड अबाउ 10+5, yes. मतलब विदाउट स्टॉक कोई 15% कमा सकता है? यस। इटेलर भी कमा सकता है? यस। यस। कोई भी प्रोडक्ट कमा सकते हैं? यस। ओके, अभी किसी ने 15,000 का किया, ये 15,000 क्या है? नेट रिसीट वैल्यू। नेट रिसीट वैल्यू मतलब क्या? जीएसटी माइनस होके जो अमाउंट आता है वो। अभी पहले 5,000 के लिए उसको कितना मिलेगा? 10%, पहले 5,000 के लिए 10%, मतलब 500 रुपए मिल गया, राइट? यस। अगले 5,000, मतलब 5 से 10, उसको कितना मिलेगा? 12%, 600 रुपए मिल गया। अभी बचा कितना? 5,000 बचा, 5,000 पे कितना मिलेगा? 15%, 750। तो टोटल कितना मिल गया उसको?
कितना मिलना चाहिए था? पंद्रह सौ मिलना चाहिए था, उसकी जगह कितना मिला? क्लियर? समझ में आ रहा है? अपना इसकी कमीशन लेता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, पहले 5000 को इतना, उसके बाद इतना, उसके बाद इतना। समझ गया ना? क्लियर ना? वेरी गुड। स्लाइड्स ऑफलाइन भी है। ये पूरा सिस्टम मंथली रहेगा, मंथली एवरी मंथ। तो महीने बाद रिटेल करो, महीने के एंड में चेक करो कितना रिटेल हुआ, जो भी बोनस है सेकंड साइकिल के पे आउट में ऐड होके आ जाएगा। क्लियर? पहले साइकिल के पे आउट पे क्या आएगा? 10% के हिसाब से ही आएगा, बराबर है ना? समझ रहे हो? ओके, तो ये मंथली है। स्लाइड्स सर, ये ऑफलाइन वालों के लिए भी है? ऑफलाइन भी है सर। तो ये ऑफलाइन ऑनलाइन, ये ऑनलाइन के लिए देखा ना 10% वाला। अभी हमने 2G देखा, 2G क्या था अपना? 15% वाला सिस्टम, स्टॉक एंड कैरी। उसमें क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए ऑफलाइन? B2B सिस्टम 2G वाला याद है ना, जहां पे कितना मिलता है 10+5 ऑलरेडी मिलता है, वहां पे क्या होगा 0 to 4000 15%, 5000 से 10000 +2 15 के जगह 17 और 50 के ऊपर 10 के ऊपर +5 20%। क्लियर? फोटो बाद में निकाल, पहले समझ लो। ये पूरा PPT देंगे हम आपको, टेंशन मत लो। फिर अपने अपने कैमरा में अपने अपने स्क्रीन के फोटो देखो। मेरे साथ निकालना चाहते हो तो निकाल चाहते हो। क्लियर? अरे समझ में आ रहा है ना? सिंपल रिटेल बोनस। ओके ओके, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके दिमाग में आ सकता है, तो मैं ही बोल देता हूं। आपके तरफ से एक क्वेश्चन है, ये जो 2% और 5% दे रहे हैं, ये टर्नओवर जब हम पास कर रहे हैं तब हमारे टर्नओवर में से डिडक्ट होगा क्या? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता? हम इतने बुरे नहीं, ये हमारी तरफ से नेट सर्फ की तरफ आपके इससे कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा। तो +2 + 5 नेट सर्फ की तरफ से बोनस दिया जाएगा, ये मंथ के एंड में दिया जा रहा है। तो कब डिडक्ट कर रहा है हमें भी पता नहीं है, इसलिए हम ही दे रहे हैं, बराबर है? क्लियर? स्टॉक एंड कैरी में 15% डिडक्ट होगा क्या? हो तो लेकिन 17-20 नहीं होगा, बोनस नहीं होगा, बोनस कंपनी। क्लियर 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 क्लियर। 3G क्लियर, 2G क्लियर। चलो आगे चलते हैं। हाँ, अभी आए स्पीड की तरफ, अभी आए स्पीड की तरफ। अगेन एक्सक्लूसिव ऑफर फॉर रिटेलर्स, क्या बात है? इस बार रिटेलर की ये ऑफर के ऊपर ऑफर चल रहा है। अभी हम 4G तक आए, रिटेलर की बात कर रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है कि आपको करना क्या है? हमें एक रिटेलर को कहां तक लेके जाना है? 7G तक। हाँ याद रखना, फोर्थ ऑफर रिटेलर के लिए खास। अभी से जो भी अपना सुपर ट्रैक है, जो भी अपना सुपर ट्रैक है, इट इज डेडिकेटेड टू ऑल रिटेलर्स। ओके, और एक खास चीज,
और एक खास चीज, जो भी मैंने 2G 3G और ये 4G बताने जा रहा हूं, मतलब B2B सेल्स, राइट, रिटेल बोनस, दूसरा ऑफर बताया, अभी तीसरा सुपर ट्रैक बता रहा हूं, ये तीनों ऑफर एप्लीकेबल फॉर ऑल क्लब्स ऑफ नेक्सस, बिगिनर से लेके करोड़पति, कोई भी करो। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? अभी सुपर ट्रैक जो मैं बताने जा रहा हूं, पहली बार ये एक नया सुपर ट्रैक है ना, CMD बिगिनर्स, बिगिनर भी कर सकता है, करोड़पति भी कर सकता है, नो प्रॉब्लम। मैंने थाई तो खरीद नहीं कहते थे क्योंकि सबको रिटेलिंग ही करना है ना, आदत तो पड़े। अरे समझ रहे हो क्या? तो जो जो और रिटेलिंग करना चाहते हैं, ऐसे अपने पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे आपके डायरेक्ट सेलर? सर मैं एकदम खुखर था, अभी तो अभी क्या करूं? कर सुपर ट्रक चालू रख, रिटेल बोनस ले, काम चालू रख, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे यस या नो? सो सभी के लिए एप्लीकेबल टू ऑल क्लब्स, क्लियर? प्रेजेंटिंग ऑल न्यू सुपर ट्रक, एक नया खास आपके लिए सुपर ट्रक, ओनली फॉर रिटेलर्स, लेकिन एनीवन हु वांट टू डू रिटेलिंग। सुपर ट्रक क्या है? सिंपल, क्या होता है अपने सुपर ट्रक में? एक एंट्री बोनस मिलता है, दूसरा रिपीट बोनस मिलता है, परफेक्ट, फॉर्मेट इज सेम, नो चेंज इन फॉर्मेट। सो देयर इज वन सिंगल रिटेलिंग टारगेट फॉर ऑल क्लब्स, मतलब लेवल वन बिगिनर से लेके करोड़पति, एक ही टारगेट। बराबर है ना? आपको भी वही कर रहे हैं ना जो वो करेगा? अरे हाँ कि ना? यस या नो? यस। हम चाहते हैं नेक्सस में आया हुआ एक भी बंदा भूखा नहीं रहना चाहिए, उसके बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान का रेंट। निकालो, आराम से निकालो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप रिटेलिंग नहीं कर सकते? 10% बुरा है, वैसे भी 10 ही मिलता है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या है, बहुत लोगों को जोक बाद में समझ गया। हाँ, सुपर ट्रैक टारगेट सिंपल, अभी मुझे यह लिखने की जरूरत नहीं है कि कौन से लेवल किसके लिए है, स्टार सब के लिए। तो एक अप्रैल मतलब अप्रैल फर्स्ट साइकिल जैसे स्टार्ट होगा, अभी तक अपना पुराना ही चल रहा है, खत्म कर दो जल्दी जल्दी। अप्रैल फर्स्ट साइकिल जैसे ही स्टार्ट होगा, बिगिनर से लेके करोड़पति तक सभी क्लब लेवल वन, आपने पहले क्या पराक्रम किए हैं भूल जाओ, सब लेवल वन से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्लियर? एवरीबॉडी विल स्टार्ट फ्रॉम लेवल वन, परफेक्ट। लेवल वन रिटेल प्रॉफिट का टारगेट कितना है? 3000। बोनस क्या है? 1000 रुपीज, मतलब कितना परसेंट मिला एक्स्ट्रा? 33% एक्स्ट्रा। अरे बराबर है ना? ओके सर, अभी 3G और 4G को कंबाइन कर सकते हैं क्या? 100% कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब अब ये 3000 का रिटेल प्रॉफिट लोगे, मतलब कितने रुपए का रिटेलिंग करोगे? 30000 का, 30000 का रिटेलिंग करोगे तो 10000 के ऊपर कितना मिलेगा? 5% एक्स्ट्रा, यस या नो?
वो करने के बाद ये 1000 रुपए भी मिलेगा क्या? यस हाँ। सो कैन यू कंबाइन 3G 4G? दोनों फोन है अपने, 3G 4G, क्लियर? अच्छा 2G 3G 4G सब कंबाइन कर सकते हैं क्या? मतलब 15% प्लस फिर वो उसके ऊपर प्लस 2 प्लस 5 प्लस ये 1000? यस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्लियर? अभी क्या हो गया, रिटेलर खुश? अरे हाँ के ना, यस। कंज्यूमर खुश? तो कंज्यूमर किंग है और रिटेलर कौन है? किंग की तरफ लेके जाने वाला। अरे हाँ के ना, वो भी खुश। लेवल 2, ओके। सुपर ट्रैक लेवल 2, 4500 बोनस, 1500। लेवल 3, 6000 बोनस, 2000। क्या ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इंटेलर को भी है? है, है। इंटेलर सुपर ट्रैक कर पाएगा? कर पाएगा। इंटेलर को बोनस मिल सकता है? मिल सकता है, क्लियर? समझ में आ रहा है? तो लेवल 1 करोगे, 3000 का रिटेल प्रॉफिट का टारगेट है, 1000, 3000 मतलब 30,000, 10% से कैलकुलेट करो, जब भी करके कैलकुलेट कर रहे हो, राइट? ये समझ गए ना, कैलकुलेट किससे करना है? 10% से। 3000 लेवल 2, 4500 मतलब 45,000 का रिटेल करता है, 4500 मिलेगा, 1500 रुपए मिलेगा। लेवल 3 60,000 का करना है, 6000 रिटेल प्रॉफिट यानी 2000 रुपए बोनस महीने के एंड में, दिस इज मंथली, अगेन मंथली। तो एक महीने में रिटेल बोनस प्लस सुपर ट्रैक दोनों मिल सकते हैं, यस। इसके अलावा व्हेनेवर यू अचीव एनी न्यू लेवल, जब जब आप ये लेवल करते हो तब तब आपको ट्रेनिंग भी मिलेगा, 1 डे का ट्रेनिंग न्यू लेवल के लिए, 1 डे ट्रेनिंग मिलेगा, मिलेगा। सुपर ट्रैक टारगेट एक ही एक्सेप्शन है, क्या है? फास्ट ट्रैक वालों को नहीं मिलेगा, बराबर ना? तो वो ऑलरेडी फास्ट ट्रैक में गया तो सुपर ट्रैक में आ ही नहीं सकता, तो पहले से आप वेरी गुड। तो एंट्री लेवल के लिए बोनस है, व्हेनेवर यू रिपीट आपको बोनस मिलेगा, प्लस 1 डे का ट्रेनिंग मिलेगा फॉर न्यू लेवल। जब भी नए लेवल में जाते हो आपको ट्रेनिंग भी मिलेगा। इसमें मेनली क्या सिखाया जाएगा? ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग रहेगा, रिटेलिंग टेक्निक्स का ट्रेनिंग रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स का ट्रेनिंग रहेगा। तो 1 डे का एक ट्रेनिंग आपको रीजन वाइज ये कंडक्ट होगा, क्लियर? यहां तक कोई? ओके, बिकॉज दिस इज सुपर ट्रैक, आपको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 ऐसे ही अचीव करना पड़ेगा। डायरेक्टली लेवल 3, डायरेक्टली लेवल 2 नहीं होता। वो सुपर ट्रैक का रूल सबको पता है ना? यस। अरे यस या नो? यस। सेम रूल अप्लाई। यहां तक क्लियर है? है कि नहीं? ओके चलो आगे चले। 4G क्लियर, अभी 5G, हाई स्पीड, सुपर स्पीड, रेडी हो? देखो नेटसर्फ जो है ये हमेशा बिलीव करता है कि हम सिर्फ वेल्थ क्रिएट नहीं करके देते डायरेक्ट सेलर को, वी आर नॉट जस्ट हियर टू क्रिएट वेल्थ, बट हम डायरेक्ट सेलर को वर्क लाइफ बैलेंस करके मेमोरीज क्रिएशन का भी मौका देते हैं। क्या करते हैं? मेमोरीज क्रिएशन, मेमोरी क्रिएशन का मौका कहां से देते हैं? क्लब नेट सर। किससे देते हैं? क्लब नेट सर, नेट सर, फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग हो गए या क्लब नेट सर हो गया, क्लब नेट सर। तो हमने क्वार्टर 4 में OMG, ओ माई गॉड, क्लब नेटसर्फ लॉन्च किया, राइट? इनिशियली बहुत जबरदस्त
जोश के साथ सबने काम किया, अच्छा काम किया, अच्छे अचीवर भी हुए, लेकिन एक्सपेक्टेशन जैसे अचीवर नहीं हुए। क्यों? लोग OMG की जगह GST बोल रहे थे। बराबर है ना? सही बोल रहे थे। हमने ये फॉलोअप ही नहीं लिया कितना OMG, हमने फॉलोअप क्या लिया? कितना GST? हाँ या ना? यस यस। तो अभी सुबह हमने GST का प्रश्न सॉल्व कर दिया, तो अभी क्या करें? नया क्लब नेटसर्फ लॉन्च करें? क्या अप्रैल मई जून के लिए क्लब नेटसर्फ जैसा एक महान टूल, स्ट्रॉन्ग टूल, जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों ने नेटसर्फ में करियर क्रिएट किया है पहले, देना चाहिए? यस। कैसे देना चाहिए, क्या देना चाहिए? कैसे देना चाहिए? कैसा 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 जाओगे? तो चलो 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 चलो, तो हम हाई स्पीड है, फाइव की है, सो प्रेजेंटिंग अभी। ये जो क्रूज है, ये हमने खास अपने सभी डायरेक्ट सेलर के लिए एक्सक्लूसिवली ब्लॉक कर दिया है। yeah!
मतलब पूरे क्रूज पे हम ही हम हैं। ये क्रूज टारगेट है अप्रैल मई जून का, बिकॉज ये क्रूज इंटरनेशनल वाटर्स में जाता है इसलिए पासपोर्ट लगेगा। ओके, इसका एक टेक्निकल हॉल्ट एक आइलैंड में है जो इंडिया का नहीं है। ओके, वहां पे हम उतरेंगे नहीं, लेकिन जहाज में मतलब शिप में टेक्निकल हॉल्ट है, फ्यूल वगैरह भरने के लिए लगता है, इसलिए वहां पे ये डॉक होता है शिप, इसलिए हमें वीजा भी शायद लगेगा। ओके, बिकॉज दिस इज इंटरनेशनल क्रूज। ये क्रूज स्टार्ट होगा चेन्नई से। ओके, क्योंकि सितंबर है, मुंबई से सेलिंग नहीं होता, चेन्नई से सेलिंग होता है सितंबर का, सो ये चेन्नई टू चेन्नई रहेगा। क्लियर? सितंबर में हम इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं, चेन्नई हाई सीज चेन्नई। ओके, चेन्नई में जाएंगे, चेन्नई से क्रूज में बैठेंगे, समुंदर में अंदर 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 और अंदर, बहुत अंदर, इंटरनेशनल जाएंगे, वापस इंडिया इंडिया आ जाएंगे। टू नाइट थ्री डेज क्रूज पे सब कुछ, मतलब सब कुछ है, लेकिन हम एज अ पॉलिसी दारू का पैसा नहीं देते, जुए का पैसा वो आपका आपका, और वाईफाई क्योंकि नेटवर्क नहीं रहेगा, अच्छा है कभी कभी टू नाइट थ्री डेज नेटवर्क नहीं है तो फोटो निकालो बाद में अपलोड करो, वाईफाई अगर किसी को चाहिए तो आ जाओ। ये तीन चीज छोड़ के बाकी जूसेस सॉफ्ट ड्रिंक्स खाना ब्रेकफास्ट चाय एंटरटेनमेंट सब इंक्लूडेड है। मतलब बाकी अगर आप दारू नहीं पीते, अगर आप जुआ नहीं खेलते, आपको कोई भी बुरी आदत नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आने वाला। लेकिन अगर आपको आपकी आदतें जैसे दारू पीना जुआ खेलना ये पसंद है तो अपने अपने पैसे से करो, बराबर है ना? शॉपिंग भी अपने अपने पैसे से। तो यूएसडी साथ में रखना, अगर जुआ खेलना है दारू पीना है शॉपिंग करना है तो नहीं है तो आपको कुछ बाकी कुछ खर्चा नहीं है उधर, समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, उतरने वाले नहीं हो किधर ना, क्रूज पे हो। क्लियर? समझ में आ रहा है? सो ये एक बहुत ही स्पेशल क्रूज है, बहुत ही शानदार क्रूज है जिसमें 13 फ्लोर्स है, 13 फ्लोर्स विद कैप्सूल लिफ्ट, अपने आप ऑलरेडी देखा, अपर डेक है बहुत बड़ा, और इंडिया का अभी तक का आया हुआ सबसे अच्छा क्रूज लाइन इसको बोला जाता है। प्रॉपर रूम्स है, सो आप बहुत लोग क्रूज में ऑलरेडी जा चुके हैं तो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमने इसके पहले भी क्रूज दिया था। सो टू नाइट थ्री डेज का ये क्रूज रहेगा, इंटरनेशनल क्रूज जो स्टार्ट होगा चेन्नई से, चेन्नई टू चेन्नई। आते हैं पॉइंट पर, बराबर है ना? तो थ्री वेज टू अचीव क्लब नेट सर्फ और बिगिनर टू, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने इस बार बिगिनर से लेके सुपरस्टार तक एक ही टारगेट दिया है। और बिगिनर टू सुपरस्टार अलग अलग प्रकार से अचीव कर सकता है, मतलब टर्नओवर के माध्यम से भी कर सकता है या और रिटेल से करेगा, फायदेमंद रहेगा, राइट? तो अगर टर्नओवर से अचीव कर सकता है
रिटेल प्रॉफिट से कर सकता है और बिगिनर टू सुपरस्टार रिटेल प्रॉफिट से कपल भी आ सकता है, मतलब बाकी भी आ सकते हैं, पहले नीचे वालों को देख लेते हैं फिर अपना, बराबर ना? अरे ये से नो, क्योंकि वो खुश है, हम बहुत ज्यादा खुश हैं। हाँ तो कैसे रहेगा टारगेट, टारगेट फॉर बिगिनर टू सुपरस्टार, ये अगर टीम वन टीम टू यानी टर्नओवर के माध्यम से अगर अचीव करना चाहते हैं, 3 महीने का टारगेट है, अप्रैल मई जून, तो 3 महीने का ये टारगेट रहेगा, 5 लाख 5 लाख टर्नओवर के माध्यम से अगर करना है तो। और यही चीज अगर उनको रिटेल के माध्यम से करनी है, रिटेल प्रॉफिट के माध्यम से करनी है, तो बिगिनर टू सुपरस्टार 25,000 रिटेल प्रॉफिट में ये कर सकते हैं। तो रिटेल प्रॉफिट से करेंगे तो आसा, अभी ये 25,000 जब करेंगे, अभी थोड़ा 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 25,000 जब ये रिटेल प्रॉफिट कमाएगा तो 1 महीने में 5,000 के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes. जाना ही पड़ेगा, तो वो अपना 3G याद है, 3G 2% 5% मिलेगा, सुपर ट्रक मिलेगा, जब जब सुपर ट्रक हिट करेगा सुपर ट्रक में और क्लब नट सब भी मिलेगा, तो प्रॉपर प्लानिंग आप नीचे वाले को दे सकते हो, कैसे कैसे हो सकता है, कस्टमर की लिस्ट कैसी आएगी, कंज्यूमर का प्लान है, कंज्यूमर का प्लान कंज्यूमर के लिए चल रहा है, अरे समझ रहे हो क्या? हाँ परफेक्ट, आगे चलते हैं। सो 25,000 क्यूम्युलेटिव टारगेट्स फॉर अप्रैल मई एंड जून। कपल अगर करना है तो, कपल क्रूज करना है तो सिर्फ रिटेल का टारगेट है, कपल करना है तो 3 महीने में 45,000। क्लियर? टर्नओवर का टारगेट कपल के लिए नहीं है। ओके, टर्नओवर करके अगर कपल आना चाहता है तो बताऊंगा, बताऊंगा 6G है, 6G बताऊंगा, 5G समझ लो पहले। क्लियर? ये क्लियर है? 25,000 सिंगल, 45,000 कपल। अभी हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या अपना वो सुबह का इटेलर याद है ना? क्या भूल गए? यस याद है। ये कर सकता है? 100% नो प्रॉब्लम। उसको टारगेट अचीव करने के लिए बोलो क्रूज विदाउट जीएसटी, विदाउट जीएसटी। क्लियर? अभी इटेलर बाय डिफॉल्ट बिगिनर ही रहता है, उसका क्लब कभी चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि वो डायरेक्ट सेलर। हाँ पर समझ गया, अभी आप समझ गए? क्लियर ना? हाँ ऑप्शन अवेलेबल, ऑप्शन अब वो क्या है? सिर्फ टर्नओवर टारगेट, उनको नीचे वाले का कंप्लीट करके लेना है रिटेलिंग के माध्यम से और टर्नओवर के माध्यम से खुद का करना है, बराबर है? राइट, टर्नओवर टारगेट उनके लिए क्या रहेंगे देख लेते हैं। टारगेट फॉर ऑप्शन अबाउ ऑफ क्लब एंड सिल्वर क्लब 7 लाख 7 लाख, गोल्ड डायरेक्टर 14, CMD 28, CMD प्लस 42, करोड़पति 56। 3 महीने क्यूम्युलेटिव, 3 महीने मिला के 7 लाख क्यूम्युलेटिव टारगेट फॉर अप्रैल मई एंड जून। सर पिछली स्लाइड है। अभी ऑफ्स क्लब एंड अबाउ सर बिगिनर्स लाइटनिंग स्टार स्टार सुपरस्टार वाइस को लेके आएगा,
या हस्बैंड को लेके आएगा, बराबर है ना, स्पाउस के साथ आ सकता है, कपल एंट्री है। तो अगर ऊपर वालों को कपल एंट्री चाहिए तो नीचे वाले का चुका तो अगर ऊपर वाले को कपल एंट्री चाहिए प्रेजेंटिंग 6G क्या है, आइकॉन नेट्स ऑफ आइकॉन के माध्यम से वो कपल आ सकता है, आइकॉन करके कपल आ सकता है। आइकॉन सबको पता है, अच्छा लगता है, मजा आता है। और अभी आइकॉन के लिए साइकिल कितने हैं, 6 साइकिल है, 2 साइकिल कंटिन्यूअस हिट किया, तीसरे साइकिल से क्या होता है, 1% एक्स्ट्रा मिलता है। अरे पता है कि नहीं पता आइकॉन, अभी साइकिल 6 है क्योंकि 3 महीने का है, क्लियर, वेरी गुड। चलो टारगेट्स फॉर 1 साइकिल, हर साइकिल में क्या करना पड़ेगा, आइकॉन के टारगेट कैसे रहते हैं, पे आउट वाले रहते हैं, पे आउट वाले, पता है ना, आइकॉन इज पे आउट वाले टारगेट। सो तो आइकॉन एवरी बिजनेस साइकिल कंसिस्टेंसी अगर आपको करनी है, कंसिस्टेंटली करते हो तो क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, बिगिनर टू सुपरस्टार 10,000 रुपए का कमीशन एवरी साइकिल लिया, 10,000 बिगिनर टू सुपरस्टार के लिए क्या करना है, अभी इसमें आपको समझ में आया हम क्या कर रहे हैं, इस बार आइकॉन हम बिगिनर को भी दे रहे हैं। अरे समझ में आ गया क्या, पहले आइकॉन किसको मिलता था, सारे नो, अभी हम क्या बोल रहे हैं, बिगिनर भी आइकॉन कर सकता है। क्या टारगेट है बिगिनर टू सुपरस्टार के, 10,000 रुपए का एवरी साइकिल पे आउट निकालो, पे आउट यानी नेटवर्क कमीशन, पे आउट यानी रिटेल नहीं, रिटेल का टारगेट अलग है, दिया है नेटवर्क कमीशन 10,000 एवरी साइकिल, ऑफ सिल्वर के लिए 20,000, गोल्ड डायरेक्टर के लिए 45,000, सीएमडी के लिए 84,000, सीएमडी प्लस के लिए 1,20,000, करोड़पति के लिए 1,44,000। एवरी साइकिल करो, 2 साइकिल करोगे कंटिन्यूसली क्या होगा, 1% एक्स्ट्रा फ्रॉम 3rd साइकिल ऑनवर्ड्स, कंटिन्यूसली 6 साइकिल आपको ये करना पड़ेगा, अचीव ऑल 6 साइकिल टारगेट्स एंड अटेंड क्रूज विथ योर स्पाउस। हर साइकिल जो भी आपका टारगेट है लेवल का, क्लब का, वो एवरी साइकिल आपने हिट कर दिया, आपका कपल एंट्री हो गया। अभी कुछ साइकिल में नहीं हिट किया तो क्या होगा, 3 में तो मुश्किल ही पड़ेगा सर। तो अभी यहां पे एक एडिशनल क्या मिलेगा आपको, यू विल ऑल्सो गेट 1 एक्स्ट्रा नाइट, ये एक्स्ट्रा नाइट क्रूज पे नहीं है, चेन्नई में है नहीं तो बाकी लोगों को किधर डालेंगे हम, क्रूज जाएगा पानी में और आएगा, समझ में आ रहा है ना, तो ये चेन्नई में आपको 1 नाइट एक्स्ट्रा यहां पे मिलेगा आपके स्पाउस के साथ। लेकिन अगर आपने एक आध साइकिल मिस कर दिया तो आपके पास क्यूम्युलेटिव टारगेट भी है, तो 3 महीना मिला के अगर आप बिगिनर हो, बिगिनर टू सुपरस्टार 70,000 का कमीशन 3 महीने में करो क्यूम्युलेटिव, अप्रैल मई जून तीनों महीना मिला के 70,000 करो, हो जाएगा। ऑफ सिल्वर हो 1,40,000 का क्यूम्युलेटिव करो, समझ में आ रहा है ना, एवरी साइकिल करोगे थोड़ा कम में अच्छे होगे, एवरी साइकिल नहीं करोगे 1 साइकिल का एक्स्ट्रा लगेगा, एकदम सिंपल है। गोल्ड डायरेक्टर हो 3,15,000, सीएमडी हो 5 लाख, 5,88,000, सीएमडी प्लस हो 8,40,000, करोड़पति हो 10,08,000, 3 महीने का साइकिल का हम नहीं बोल रहे, क्लियर क्लियर, वेरी गुड, क्लब नेट्स ऑफ क्लियर,
आगे चले सेवन जी फास्ट ट्रैक करेंगे हम अरे सही फास्ट कैसे अभी फास्ट ट्रैक कैसे कर सकते हैं वेट कौन सा महीना चल रहा है भाई व्हाई वी आर डिस्कसिंग फास्ट ट्रैक इन मंथ ऑफ अप्रैल फास्ट ट्रैक कब आता है जैन एंट्री रहती है और जुलाई एंट्री रहती है फास्ट ट्रैक अभी कैसे आ गया अभी कैसे आ गया फास्ट ट्रैक एकदम से क्या करें देखो हुआ क्या क्वार्टर फोर वापस बोलना पड़ता है जिंदगी का सबसे खराब बॉटम देखने वाला क्वार्टर इसके नीचे नहीं जा सकते तो अभी उसमें हुआ क्या बहुत सारे अपने फास्ट ट्रैक वाले लोग थे जो फास्ट ट्रैक में आना चाहते थे yes. लेकिन नहीं आए तो क्या उनको एक बार एडिशनल बैच 3 महीने का फास्ट ट्रैक का देना चाहिए yes. आपके नीचे भी बहुत सारे लोग रहेंगे अरे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए देंगे तो फायदा होगा क्या अगर हम अप्रैल में स्पेशल फास्ट ट्रैक एंट्री की ओपनिंग करेंगे क्या होगा क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा कुछ होगा अरे होगा कि नहीं होगा तो करते हैं क्या फास्ट ट्रैक एंट्री देनी चाहिए अप्रैल में क्या नहीं देनी चाहिए कि कुछ लोग ऐसे नहीं हमारा जो फास्ट ट्रैक है वो जनवरी और जुलाई रहता है बीच में नहीं देना चाहिए हो सकता है ऐसा कुछ लोग समझे जनवरी जुलाई होना चाहिए किसने बोला था हम नहीं बोला था अभी हम बोल रहे हैं अप्रैल देना है हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है अरे पूछ रहे हैं देखो आपको एक स्टोरी सुनाओ स्टोरी yes. एक एग्जाम्पल देते बोर्ड प्लीज किस्सा बताता हूं देखो कुछ रूल्स होते हैं देर आर सम रूल्स एंड कुछ होते हैं एथिक्स पता है ना आपको कुछ क्या होते हैं रूल्स होते हैं और कुछ होते हैं एथिक्स और अगर मैं रूल और एथिक्स का एक ग्राफ बनाऊं मतलब इधर मैंने एथिक्स लिखा इधर मैंने रूल्स लिखा रूल्स और एथिक्स का क्या बना रहा हूं मैं ग्राफ बना रहा हूं रूल्स लिखा एक ग्राफ के एक लाइन पे क्या है एथिक्स दूसरे लाइन पे क्या है रूल्स एथिक्स समझते हैं ना सर एथिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं प्रिंसिपल्स एथिक्स यानी प्रिंसिपल्स या तत्व सिद्धांत तत्व बहुत एंड दूसरे पे क्या है रूल्स नियम तो एक इस पे नियम है रूल्स है और दूसरे ग्राफ पे क्या है एथिक्स प्रिंसिपल्स है तो जैसे ही मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं ये ग्राफ के 4 हिस्से बन जाते हैं कितने हिस्से बनते हैं 4 हिस्से बन जाते हैं ये हिस्सा क्या है नो रूल्स नो एथिक्स बराबर ना समझ में आ रहा है ना नो रूल्स नो एथिक्स प्रिंसिपल भी नहीं एथिक्स भी नहीं यहां पे क्या आएगा अरे चेंज मत करो यार हां यहां पे क्या आएगा नो एथिक्स
रूल्स परफेक्ट, 100% रूल्स। यहां पे क्या आएगा, रूल्स भी है एथिक्स भी है, और यहां पे क्या आएगा, एथिक्स फुल है रूल्स नो राइट। अभी इसको अगर हम लोग पर्सनालिटी देने की कोशिश करते हैं, पर्सनालिटी, हिस्टोरिक पर्सनालिटी, नो रूल्स नो एथिक्स, मतलब आप बन जाओगे रावण, रावण नो रूल्स नो एथिक्स, योर वाइफ माय वाइफ। अरे नो रूल्स नो एथिक्स, हाँ कि ना? रावण क्या है, नो रूल्स नो एथिक्स, परफेक्ट। अभी यहां पे आते हैं, 100% रूल्स 100% एथिक्स, राम राम, फुल रूल्स फुल एथिक्स, एक भी रूल नहीं तोड़ूंगा, एक भी एथिक्स नहीं छोड़ूंगा, राम। इसलिए हम बोलते राम राज्य, राम राज्य में मर्यादा पुरुषोत्तम राम, 100% रूल्स 100% एथिक्स, नो रूल्स नो एथिक्स रावण। अभी नो एथिक्स 100% रूल्स दुर्योधन, नियम क्या बोलता है ये करना चाहिए, नियम क्या बोलता है, मैं मेरे पिताजी अभी है उसके बाद मैं हूं, पंडु बिंडू मुझे पता नहीं, रूल ये बोलता है। लेकिन एथिक्स जीरो, युद्ध में हार गया द्रौपदी को लेके आए, नो एथिक्स नो एथिक्स, अपनी भाभी है नो एथिक्स, रूल क्या बोल रहा है, हार गए दासी बना, समझ में आ रहा है, नो एथिक्स रूल्स 100%। अभी एथिक्स 100%, रूल्स कैन बी बेंड, थोड़ा बहुत चल जाता है, कृष्ण भगवान। अरे ये चेंज कर करो यार, ये चेंज मत करो, लूज कनेक्शन हो रहा है, ओके। तो कृष्ण भगवान क्या है, एथिक्स धर्म के लिए लड़ूंगा। अभी वो चक्का निकाल रहा है, मार दे, रूल रूल छोड़ मार, किसके लिए कर रहे हैं, धर्म, अर्जुन मार, अर्जुन मार दे, बराबर है। ऐसी मार्केट में अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भी रहती, नो रूल्स नो एथिक्स। अभी वो डायरेक्ट सेलिंग के लॉ आए नहीं आए इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नो रूल्स नो एथिक्स, शॉर्ट टर्म होंगे, रावण है रावण की तरह ही मरेंगे, कुछ लोग रहेंगे एथिक्स नहीं रखेंगे, रूल को पकड़ के चलेंगे, सबको लेके मरेंगे। हाँ कुछ कंपनियां रहेगी एथिक्स छोड़ दो, डायरेक्ट सेलर का जो होना है होने दो, वो मरे कुछ भी हो जाए हमें क्या है, अपना देखो रूल बराबर, कंपनी सेफ करो। दुर्योधन तीसरा, राम 100% रूल्स 100% एथिक्स, और चौथा कृष्ण, एथिक्स छोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट सेलर का भला होना चाहिए भले रूल बेंड हो जाए। अभी क्या करेंगे, कृष्ण ईटेलर लेके आओ उसको अच्छा लगेगा, जीएसटी नहीं नो प्रॉब्लम, एडजस्ट कर लेंगे, रूल बेंड, फास्ट ट्रैक अप्रैल बैच नो प्रॉब्लम, किसके लिए, धर्म युद्ध, अपना सब जितना चाहिए, अपने डायरेक्ट सेलर का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है, क्वार्टर फोर डाउन गया, क्वार्टर वन उठाना है, अप्रैल बढ़ा जाना चाहिए, ओपनिंग बढ़ा कब जाता है, फास्ट ट्रैक लगेगा, एडमिशन लगेगा,
दे देते हैं 5 तक एडमिशन, नो प्रॉब्लम। समझ रहे हो, समझ रहे हो? सो बेसिकली वी आर समवेयर हियर ट्राइंग टू बी दिस। वी आर समवेयर देयर ट्राइंग टू बी राम। वी आर लाइक कृष्ण ट्राइंग टू बी राम, क्योंकि राम बनना बहुत मुश्किल है। सच बोल, राम रहता तो मैं बोलता जीएसटी नहीं, जा चल बंद, रूल एथिक्स सब देखना पड़ेगा मुझे, बराबर। बाय वे इधर से ऐसा हूं, ऐसा एक कुछ तो लेके आते हैं। तो भगवान कृष्ण, समझ में आ रहा है आपको? क्लैरिटी आ रही है? सो जिधर रूल बैंड हो सकता है, हो सकता है। 31 मार्च साइकिल अभी भी चल रहा है। डेट क्या है? सच अपना बिल किसका आ रहा है? 31 मार्च कौन सा चल रहा है? 7 अप्रैल क्यों? धर्म युद्ध है बाबा, डायरेक्ट सेलर है अपना है। फास्ट ट्रैक एंट्री अप्रैल में देने वाले। रूल बेंड, फास्ट ट्रैक एंट्री इस बार अप्रैल में रहेगी। तो अप्रैल में फास्ट ट्रैक स्पेशल फास्ट ट्रैक बैच, ताकि हमारे जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं, उन जिनका जिनका फास्ट ट्रैक मिस हुआ है, जो फास्ट ट्रैक वाले हैं, वी नो दे आर फास्ट ट्रैकर्स, दे वांट टू अचीव फास्ट ट्रैक, दे वांट टू बिल्ड देयर करियर इन नेटवर्क, उनके लिए खास अप्रैल फास्ट ट्रैक स्पेशल बैच 3 महीने का। अप्रैल मई जून 3 महीने का स्पेशल फास्ट ट्रैक बैच आपके लिए रहेगा। क्लियर? जितने भी आपके लोग हैं, आप खुद हो या आपके जितने भी डाउनलाइन हैं, सबके लिए अप्रैल साइकिल 1 जैसे ही स्टार्ट होगा, आपको फास्ट ट्रैक एंट्री मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? सो अप्रैल विल बी आवर एंट्री मंथ फॉर फास्ट ट्रैक। ओके, स्पेशल बैच किस लिए? तो मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ बता दिया। तो इसमें क्या होगा, आपको 3 महीने का फास्ट ट्रैक है, 2 महीना जब आप करोगे 1 night 2 days का ट्रेनिंग, तीसरे महीने में यानी अप्रैल में मेंटेन करना है, जून में आपको 1 night 2 days का ट्रेनिंग मिलेगा। क्लियर? और कुछ? इफ यू अचीव ऑल 3 months टारगेट एंड क्वार्टरली टारगेट्स, तो आपको भी क्रूज मिलेगा। तो ये फास्ट ट्रैक वालों को क्रूज भी मिल सकता है। मतलब अभी क्या हुआ, देखो, क्रूज पे जाने के 2 रास्ते हैं। एक फास्ट ट्रैक के माध्यम से जाओ, दूसरा क्लब नेटवर्क के माध्यम से जाओ। फास्ट ट्रैक के माध्यम से गए तो फास्ट ट्रैक के बेनिफिट के साथ साथ क्रूज मिलेगा, क्लब नेटवर्क के गए तो क्रूज मिलेगा। अरे समझ रहे हो क्या? क्लैरिटी आ रही है? करना चाहिए। 7G सुपर स्पीड। और कुछ खास चीजें फास्ट ट्रैक बैच में? एंट्री महीने में जनरेशन इनकम इस बैच को मिल सकता है। मतलब अप्रैल एंट्री में, क्योंकि 3 ही महीने मिलने वाला है, उसमें से 1 महीना जनरेशन नहीं दिया तो मजा नहीं आएगा। 3 महीने जनरेशन देना पड़ेगा। अरे हाँ के ना, देना पड़ेगा ना। तो अप्रैल एंट्री में भी आपको जनरेशन मिलेगा। मिलेगा कैसे? मिलेगा कब? मिलेगा
अप्रैल का जनरेशन इनकम आपको मिलेगा अगर आपने मई मेंटेन किया तो मई सेकंड साइकिल पे आउट के साथ अप्रैल का जनरेशन भी ऐड होके आपको मिल जाएगा। लेकिन लेकिन आपने मई मेंटेन नहीं किया तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, फर्स्ट ट्रक से आउट, नो एटीकेटी, सुपर ट्रक में आ जाओ। बराबर है ना? क्लियर? अभी तीन महीने है, पहला महीना एंट्री है, दूसरा महीना मेंटेन है, तीसरा महीना अचीवमेंट है, उसमें क्या तू अभी? अरे बराबर है ना? फर्स्ट मंथ एंट्री, सेकंड मंथ मेंटेन, थर्ड मंथ अचीवमेंट, खत्म। 2020 फर्स्ट ट्रैक है अपना, ये फर्स्ट। क्लियर? टारगेट्स क्या रहेंगे? टारगेट में कोई चेंज नहीं है। देखते हैं क्या चेंज है। एग्जीक्यूशन वन, पता है आपको ये पूरा नहीं है, 66 या रिटेल प्रॉफिट से आ सकता है। इस रिटेल प्रॉफिट में इटेलर आ सकता है क्या अपना नॉन जीएसटी वाला? आ सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो फास्ट ट्रैक में आके करेगा क्या? क्योंकि उसका तो जनरेशन ही नहीं है। लेकिन फिर भी फास्ट ट्रैक करना है तो फास्ट ट्रैक में आ सकता है, नो प्रॉब्लम। माहौल देखने आता है, आना आ जाओ, नो प्रॉब्लम। बाद में जीएसटी निकालो, हाँ कर सकते, नो प्रॉब्लम। अभी ये किस लिए दिया है? ताकि आप उसको बोलो भाई जीएसटी निकाल, फास्ट ट्रैक में आ रहा है, जीएसटी निकालेगा, जनरेशन भी मिल जाएगा, चल समझो। एग्जीक्यूशन टू, रिटेल प्रॉफिट का टारगेट हमने रिवाइज किया है, इसलिए हाईलाइट करके रखा है। तो ये रिटेल प्रॉफिट का टारगेट एग्जीक्यूशन टू का हमने थोड़ा कम कर दिया है। पहले कितना था? 12,000, अगर आपको याद है तो, हमने अभी किया है 10 E2 का। क्लियर? कोर वन कोर टू राइट, इसके बाद कौन सा क्लब आता है? अभी प्री प्रेसिडेंट का क्या होगा? सेम टारगेट है, लेकिन ये प्री प्रेसिडेंट को हम एक और एडिशनल टारगेट भी दे रहे हैं। मतलब 5 लाख करके भी आ सकता है, या 60,000 का रिटेल प्रॉफिट करके भी आ सकता है, या एक एडिशनल ऑप्शन, बिकॉज दिस इज प्री प्रेसिडेंट, राइट? प्री प्रेसिडेंट में कौन से क्लब आते हैं? कौन कौन आते हैं प्री प्रेसिडेंट में? अप टू सीएमडी सब, अरे पता है कि नहीं पता है? आते कि नहीं आते? सीएमडी प्लस भी आता है, अरे पता है क्या? नहीं पता? वेरी गुड, चलो नहीं पता आपको तो आपके लिए सीएमडी रखो, मुझे क्यों प्रॉब्लम नहीं है। सीएमडी प्लस भी आता है, प्री प्रेसिडेंट में सीएमडी प्लस आ सकता है, ओके। तो उसके लिए स्पेशल टारगेट फॉर प्री प्रेसिडेंट, वो मंथली कमीशन से भी आ सकता है। मतलब अपने पास ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जिनका 5 लाख फ्रेश नहीं आता, लेकिन मेरा टर्नओवर बैलेंस है, कैरी फॉरवर्ड है, मैंने जीएसटी भी निकाला है, तो मैं पे आउट के माध्यम से, जैसे 1/19, 2/19 में जा सकते हो प्रेसिडेंट में, वैसे प्री प्रेसिडेंट में 75,000 से आप पे आउट के माध्यम से भी आ सकते हो। क्लियर? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। क्वार्टरली टारगेट क्या रहेंगे आपके? सिंपल, जो इस पे क्वार्टरली में इंटू 3 किया है सीधा, 7,500 है मल्टीप्लाइड बाय 3, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। इस चीज को समझ गए क्या? 7,500 है रिटेल प्रॉफिट का टारगेट, देखो क्या है। तो रिटेल प्रॉफिट के माध्यम से अगर करते हो तो आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। टर्नओवर के माध्यम से करते हो तो 3 लाख लगेगा, राइट? एग्जीक्यूशन टू इंटू 3, 10,000 किया 30,000, 3 लाख 3 लाख, या रिटेल प्रॉफिट से करते हो 30,000। कोर वन कोर टू सेम,
नो चेंज, टारगेट में कुछ भी चेंज नहीं है। और जैसे मैंने बताया पीपी प्री प्रेसिडेंट इंटू थ्री 75,000 इंटू थ्री, क्लियर। फिर प्रेसिडेंट रहेगा क्या 100% 19-2-19 यह है ही, क्वार्टरली उनका 1-19 × 3 सेम, ज्यादा कुछ इसमें दिखने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम क्लब रहेगा, सुप्रीम क्लब पता है कि नहीं होता है, हाँ आप कैप से ऊपर कमीशन ले सकते हो, 8-19 से ऊपर कमीशन ले सकते हो, उसके लिए सुप्रीम क्लब है, वो भी अवेलेबल है, क्लियर। तो एंट्री मंथ ये कौन सा रहेगा अपना, अप्रैल, अप्रैल ये एंट्री मंथ है, अप्रैल में आपको एंट्री लेनी है, एंट्री लेने के बाद क्लब फ्रीज करना है, मई में मेंटेन करना है, मई में मेंटेन करते हो तो अप्रैल का जनरेशन भी मई के जनरेशन के साथ ऐड होके आपको एक साथ मिलेगा, और जून जो है वो अचीवमेंट मंथ है, तीनों महीना अचीव करते हो इसके माध्यम से भी आप क्रूज में आ सकते हो। अभी अपने पुराने फास्ट ट्रैकर्स जो 6 महीना चल रहे हैं, लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राइट, उनको अगर क्रूज में आना है, उनका जो भी टूर है वो छोड़ के उनको क्रूज में आना है, मतलब उनको फार ईस्ट है या दुबई है या और कुछ है, बराबर है ना, वो छोड़ के इन लियो ऑफ दैट, वो छोड़ के अगर क्रूज में आना है, आ सकते हैं क्या, आ सकते हैं, उनको कपल एंट्री बाय डिफॉल्ट मिलेगी, बिकॉज वो 6 महीना मेंटेन कर रहे हैं, ओके। लेकिन उसके लिए 6 महीने का अचीव करना पड़ेगा क्या, ये 6 महीने का अचीव करना पड़ेगा। चलो तो टेंशन लेवन हमारी जगह हो गई, सुप्रीम क्लब के लिए भी टारगेट सेम है इंटू थ्री। तो अभी तक 7G पूरे समझ में आ गए, क्या क्या देखा हमने थोड़ा समझ लेते हैं, 1G 2G 3G 4G 5G पूरा 7G। पहला देखा 25% कंज्यूमर डिस्काउंट कंज्यूमर के लिए है, उसके पहले हमने क्या देखा, कंज्यूमर का नेट्स ऑफ प्रिविलेज कंज्यूमर भी देखा, राइट। इसके बाद रिटेलर एंड इटेलर, उसके लिए क्या क्या है, रिटेल प्रॉफिट्स है, रिटेल बोनस है, सुपर पैक है, क्लब नेट्स ऑफ है, बराबर है। फास्ट ट्रैक भी आ सकता है रिटेल के माध्यम से, नो प्रॉब्लम, आइकॉन नहीं हो सकता, डायरेक्ट सेलर सब कुछ कर सकता है, बराबर ना, क्लियर क्लियर। ये एक पिक्चर याद रखो, तो ये क्वार्टर को आपके जिंदगी का सबसे बड़ा क्वार्टर बनाने के लिए 7G 7 टूल्स इस क्वार्टर में आपको मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप जो डाउन देखा है अभी अब कितना जा सकते हो, ये आप हमें दिखाओगे अचीव करके कि हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं और कितनी बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं। सो आर यू विद मी, क्या आप दिखाओगे? थैंक यू। अभी यहां पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ये टी ब्रेक है, चाय